दोस्तों, झूठ की कई कैटेगरी होती है। एक झूठ मासूम कान्हा बोलते थे, मुंह पर मक्खन लगा हुआ, यशोदा मैया चोरी रंगे हाथ पकड़ ली, लेकिन अपने कान्हा साथ दिए जा रहे हैं माँ को गोली, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दूसरा झूठ आशिकी की दुनिया में भी चलता है। परवीन शाकिर कहती है, मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा। इसी तरह किशोरदास झूठ की एक अलग कैटेगरी को अपने गीतों में पिरोते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये झूठ की वो कैटेगरी है जिस पर हमें प्यार आता है। कोई गिला शिकवा नहीं होता है। बेईमानी और वादा खिलाफी वाला झूठ मन को आहत करता है, दुखी करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों झूठ के सामने सच को सरेंडर करना पड़ता है। वसीम बरेलवी साहब दुखी होकर कहते हैं, झूठ बोलने वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था सच बोलता रह गया। झूठ की ये कैटेगरी भी मानवीय है, दानवीय नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति की नहीं है, गलत है लेकिन घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, क्रूर नहीं है। क्रूर झूठ वो होती है जो किसी की मौत पर अट्टहास लगाती है, किसी की मौत का मजाक उड़ाती है, किसी की मौत का रास्ता खोलती है। वो झूठ दुनिया के तानाशाहों के करिंदों ने बोला था, हिटलर और मुसोलिनी के एजेंटों ने बोला था। अभी एक ऐसा ही झूठ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बोला है। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में देश के एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की। किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। निशिकांत दुबे का ये दावा इसी 1 अगस्त का है। उनकी माने तो साल 2014 से 2020 के बीच किसानों की परम हितैषी माननीय मोदी जी के महान कार्यों की बदौलत एक भी किसानों ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन सरकारी संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में दर्ज दस्तावेज के मुताबिक इस अवधि में 43,181 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। डुकेंट ने निशिकांत दुबे के दावे के बाद जब एनसीआरबी के आंकड़ों की पड़ताल की तो पाया कि साल 2020 में कृषि सेक्टर से जुड़े 10,677 लोगों की मौत आत्महत्या से हुई। साल 2019 में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुल आत्महत्याओं की संख्या 10,281 थी। वहीं साल 2018 में 5,763 किसानों ने और 2017 में 5,955 किसानों ने आत्महत्या की थी। एनसीआरबी ने साल 2016 में कृषि क्षेत्र में कुल 6,770 आत्महत्याएं दर्ज की और 2015 में ये संख्या 8,007 थी। एनसीआरबी में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की। अलग अलग सालों में हुई इन आत्महत्याओं की कुल संख्या होती है 43,181। 43,000 से ज्यादा अन्नदाताओं ने अपनी बदहाल जिंदगी से आजीज आकर खुद अपने हाथों से मौत को गले लगा लिया। लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि मोदी राज में किसान इतने खुशहाल है कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। निशिकांत जी, झूठ बोलना है बोलिए, फर्जी वादे और दावे कीजिए, ये सब कुछ आप लोगों के चाल चेहरे और चरित्र का अनिवार्य अंग बन चुका है। ऐसी चीजों पर अब लोगों को ज्यादा हैरानी भी नहीं होती है, लेकिन किसी की मौत का क्रूर मजाक मत उड़ाइए, उसकी मौत पर अट्टहास मत लगाइए, कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि शर्म भी शर्मसार हो जाए। नमस्कार।